गंगनाथ पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से दो बाइक पे दो लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक अभियुक्त एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र रूप जीतू सनाव कांगाराम निवासी मिसलगड़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान इस छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।